हे गाइस, वेलकम टू डियर मित्रों। डियर मित्रों में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अकाउंटिंग चैप्टर का ना करके आज हम लोग इकोनॉमिक्स की कुछ बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए इकोनॉमिक्स का 14 फाइनेंस कमीशन लेके आई हूँ। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है। तो गाइस, फाइनेंस कमीशन जो है स्टार्ट हुआ था 1951 में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे चल बैठा था ब्रिटिशर्स की वजह से। तो उनको वापस खींच के आगे लेके आने के लिए कुछ लोगों ने काफ़ी मेहनत की गई है। तो हम लोग का 1951 का पहला कमीशन सेटअप हुआ था। अब ये कमीशन में काम क्या होता है, तो हम लोग को आगे के 5 साल में क्या चीज़ें चेंजेस लेके आनी है, वो सारी चेंजेस जो है उस टाइम पे डिसाइड करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला प्लान जो है 1951 में हुआ गया था, जो कि किया गया था श्री केसी नेगोय। ये आपकी बुक में भी लिखा गया है कि इन्होंने सबसे पहला फाइनेंस कमीशन प्लानिंग चालू किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद काफ़ी लोग आए, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की। मतलब जो चीज़ हम लोग को लगती है कि ये साल में कम है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान की जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग का जो मेन पॉइंट है वो है, हम लोग को 14 फाइनेंस कमीशन पढ़ना था। 14 फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हुआ था 2013 में, जो कि डॉक्टर वाई वी रेड्डी के अंडर हेड में किया गया था। ठीक है, वाई वी रेड्डी ने ये प्लान पूरा प्रिपेयर किया था। ये प्लान कौन से पीरियड के लिए था, तो 2015 से लेके 2020 तक का ये प्लान पीरियड था। ये मतलब 2015 से लेके 2020 तक हम लोग को क्या क्या चेंजेस करने हैं वो हम लोग को इसमें बताया गया था। अब उसके बाद आपके डेस्कटॉप पे दूसरी स्क्रीन आ रही है, जो दूसरी स्क्रीन बताती है कि 14 फाइनेंस कमीशन के मेन चार हेड क्या थे, मतलब मेन पॉइंट क्या थे। उसमें चार चीज़ें आई है। सबसे पहला हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में कितने टैक्स शेयर होने चाहिए वो बताया गया है। सेकेंड हम लोग का बताया द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द पेमेंट ऑफ द ग्रांट इन एड बाय द सेंटर टू द स्टेट। कितना ग्रांट इन एड जो है वो स्टेट को देना है। अब ग्रांट इन एड पहले मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि हम लोग के पास कितने पैसे आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, और दूसरा बाय द वे ऑफ टैक्सेस। आप सभी को ये पता है कि हम लोग दो तरीके से पैसे कमाते हैं, मतलब स्टेट के पास दो तरीके से पैसे आते हैं। सबसे पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, दूसरा हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसकी तरफ से आता है। उन दोनों का सम अप करने के बाद जो भी पैसे आते हैं, जो भी टोटल किया जाता है, वो हम लोग के स्टेट्स में बंटवारा हुआ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों को कितना पैसा मिलना चाहिए। अब इसमें तीन पार्ट डिवाइड किए गए, एक यूनियन, स्टेट और तीसरा सेंट्रल। तो इसका जो कितना परसेंट पैसे देने हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका द कंटिन्यूएंस एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट एंटर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। अगर जो एग्रीमेंट पहले से चलता आ रहा है, प्लानिंग कमीशन ये डिसाइड करती है कि जो 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 एप्लीकेशन आपका पहले से चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू करना है या उसको चेंज करना है, यानी मॉडिफाई करना है, या पूरी तरीके से उसको ख़त्म करके कुछ नया प्लान लेके आना है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे रिकमेंडेड करते हैं। फिर फोर्थ हम लोग का आता है एनी अदर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। मतलब कोई भी दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। ये चार चीज़ें जो है आपकी मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट के ऊपर अगर फोकस करोगे तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का चलता आ रहा है कि मेन रिकमेंडेशन कौन कौन से है 14 फाइनेंस कमीशन के। ओके, तो हम लोग का मेन रिकमेंडेशन पे हम लोग आ चुके हैं उस टॉपिक पे। ये सबसे ज्यादा फोकल पॉइंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर पता चलता है कि उसके अंदर 14 रिकमेंडेशन में क्या क्या चीज़ें आई थी। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला हम लोग का वर्टिकल वे था और दूसरा हम लोग का हॉरिजेंटल वे था। हम लोग सबसे पहले वर्टिकल वे में जाएंगे। वर्टिकल वे में क्या हुआ गया था, तो हम लोग को ये आइडिया तो होगा ही कि टैक्स जो है, हम लोग जो भी टैक्स पे करते हैं वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में। ओके, तो सबसे पहले मतलब 14 प्रिंसिपल के पहले जो है 13 प्रिंसिपल में हम लोग का सिर्फ 32% शेयर जो है वो स्टेट को जाता था। मतलब शेयर वो जो टैक्स रेट का 32% आता था वो स्टेट को दिया गया था।
फिर 14 रिकमेंडेशन से ये टैक्स रेट, ये जो परसेंटेज है वो इंक्रीज किया गया 32% से लेके डायरेक्टली 42% पे, यानी 10% की डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो गई। ये क्यों हुई? तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी, लोग यहाँ से रूरल से अर्बन में आ रहे थे, इसकी वजह से ये परसेंटेज को जो है इंक्रीज़ किया गया था। और ये सबसे बड़ा चेंज है पूरे जब जितने प्लानिंग पीरियड है उन प्लानिंग पीरियड में सबसे बड़ा चेंज ये परसेंटेज का ही था। अभी तक सारे इसमें चेंजेस आते थे, 30.5 था, 30.8 था, लेकिन ये जो 14 वाला है उसके अंदर डायरेक्टली 10% से इंक्रीज़ किया गया था उनका शेयर। ओके, ये आपका वर्टिकल था। अब सेकंड हम लोग हॉरिजेंटल वे में जाएंगे। हॉरिजेंटल में जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया वापस, 2011 का पॉपुलेशन और फॉरेस्ट कवर। ओके, अब 14 रिकमेंडेशन में उन्होंने बताया गया था कि हम लोग को कितना पॉपुलेशन है वो चेक करना है, लेकिन इनका बेस जो है 1971 को लेके ही चलना है। उन लोग बाद में ये भी बोले कि 1971 से कुछ पॉपुलेशन चेंज विंज हो गया होगा तो आप डाल सकते हो, लेकिन बेस जो है वो 1971 को लेके करना है। और दूसरा हम लोग का फॉरेस्ट कवर था। फॉरेस्ट कवर मतलब कितना ऐसा परसेंटेज है जिसमें कितना परसेंट टैक्स जो है वो फॉरेस्ट से आता था, वो हम लोग को इसके अंदर दिखाया गया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं ग्रांट पे, मतलब इनमें से कितना परसेंट शेयर जो है 14 फाइनेंस कमीशन ने दिया था हर चीज़ को। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्टेट, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इनका ग्रांट जो था, टोटल ग्रांट जो था वो 1.95 लाख करोड़ था 2015 से लेके 20 को, किसको? तो 11 स्टेट्स। ओके, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि स्टेट्स में 1.95 लाख करोड़ जो है वो ग्रांट दिया गया था। उसके बाद हम लोग का था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को ग्रांट मिला गया था 2 लाख करोड़। ओके, फिर आपका आता है म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ को ग्रांट दिया गया था 87,000 करोड़, जबकि ये सबसे कम है लेकिन फिर भी उनके हिसाब से ज़्यादा था। ओके, और लास्ट हम लोग का था कि टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब टोटल सेंट्रल ग्रांट कितना था, तो 5.3 लाख करोड़। ओके, ये सारे ग्रांट किसकी कौन से साल के लिए थे? तो आपको ये याद रखना है 2015 से लेके 2020 तक के ये सारे ग्रांट थे। ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली, आपको अभी थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के आंसर सॉल्व करना है। ओके, ये पॉइंट्स के हिसाब से अगर आंसर लिखोगे तो आपका पूरा 14 फाइनेंस कमीशन जो है वो सेटअप हो जाएगा और आप आंसर्स में पूरे स्कोर कर पाओगे। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया। आपके और हेल्प करना चाहती हूँ तो डेफिनेटली, आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप बताएं मेरे को कमेंट बॉक्स में, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।